नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे यदि आपका अकाउंट एयरटेल पेमेंट बैंक में और आप अपने अकाउंट को क्लोज करना चाहते हो आप क्लोज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी विजिट नहीं करना होगा, आप घर बैठे ही अपने एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट को बंद कर सकते हैं। तो कैसे बंद करवाएगा चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताते हैं। लेकिन देखिए सेम सवाल किसी भाई ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछा, चलिए पहले आपको वो कमेंट हम पढ़ के दिखा देते हैं। तो इस आप यहाँ देख पा रहे हैं कह रहा है मेल द्वारा एयरटेल पेमेंट बैंक क्लोज कैसे करें प्रोसेस, अर्थात वो चाहते हैं कि ईमेल करके हम अपने एयरटेल पेमेंट बैंक को बंद कर दे। तो कैसे बंद करें ईमेल के माध्यम से चलिए आपको बताते हैं। देखिए यदि आप भी अपने अकाउंट को क्लोज करना चाहते तो आप क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिलेगा कि आप अपने एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट को दो माध्यम से क्लोज कर सकते हैं। तो पहला माध्यम है कि आप इसके ऑफिसर कस्टमर केयर को कॉल करके वहाँ से बंद करवा सकते हैं। जब आप एयरटेल पेमेंट बैंक के कस्टमर केयर को कॉल कीजिएगा उनके बाद वहाँ से आपका कुछ डिटेल मंगा देगा, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार कार्ड का लास्ट का फोर अक्षर पूछा जाएगा आपसे, उसके बाद आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर, आपका नाम, ये सारा कुछ डिटेल उधर से मंगा देगा। जब अपना पूरा डिटेल सही से बताएगा उसके बाद वहाँ से आपका अकाउंट क्लोज के लिए प्रोसेस में डाल देता है। लगभग एक सप्ताह के बाद आपका अकाउंट एयरटेल पेमेंट बैंक से क्लोजेगा। जब अपना पूरा डिटेल सही से बताइएगा कुछ गाइडलाइन के अनुसार वो आपसे कुछ सवाल कर सकते हैं। और बात कर ले दूसरा माध्यम, आप दूसरे माध्यम से भी आपने एयरटेल पेमेंट बैंक को क्लोज अर्थात बंद कर सकते हैं। दूसरा माध्यम है मेल। जैसे कि भाई साहब पूछ रहे हैं कि मेल के द्वारा एयरटेल पेमेंट बैंक को कैसे क्लोज कीजिए। देखिए मेल सबसे पहले आपको एक मेल करना होगा एयरटेल पेमेंट बैंक को। तो किस मेल पे आप मेल कीजिएगा, देखिए नीचे आपको देखने मिल जाएगा एयरटेल पेमेंट का ऑफिशियल ईमेल, आपको इसी मेल पे मेल करना होगा एयरटेल पेमेंट बैंक को। तो कैसे मेल कीजिए, देखिए मेल करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको अपना उसमें आधार कार्ड अटैच करना होगा, पैन कार्ड अटैच करना होगा, उसमें आपको कुछ पूरा डिटेल लिखना होगा आप किस कारण से अपने अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं, इसलिए आपको कुछ एक रीजन भी बताना होगा। कॉल भी कीजिएगा तो वहाँ भी आपको रीजन बताना होगा और मेल में भी आपको मेंशन करना होगा एक प्रॉपर रीजन, तभी आपका अकाउंट क्लोज हो पाएगा, अदरवाइज आपका अकाउंट क्लोज नहीं होगा। उनके बाद क्या आपको अपना मोबाइल नंबर भी इंटर करना होगा। जब आप मेल में जाकर टाइप कीजिएगा तो अभी आपको टाइप करके भी दिखाने वाले कैसे टाइप कीजिएगा, क्या क्या लिखेगा। उसके बाद इसमें आपको देखिए अपना डॉक्यूमेंट का नंबर, मोबाइल नंबर, अपना नाम, एड्रेस, पूरा डिटेल जो भी आप अकाउंट ओपनिंग के टाइम में ऐड किए थे अपने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ, आपको पूरा डिटेल अपने मेल में लिखना होगा। तो कैसे आप मेल कीजिएगा, कैसे पूरा चीज़ टाइप कीजिएगा, कैसे अपना डॉक्यूमेंट अटैच कीजिएगा, चलिए आपको हम पूरा करके दिखा देते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं हम अपने ईमेल को ओपन कर लिए, आप यहाँ स्पष्ट रूप से जब आप इसको ओपन कीजिएगा अपने मेल वाले बॉक्स को, तो इसी प्रकार से आपको जो भी मेल पहले से आया होगा आपको देखने मिलेगा। उसके बाद न्यू मेल करने के लिए आपको एक नीचे में पेंसिल या फिर कंपोज का ऑप्शन मिलेगा, फिर आपको इसी कंपोज के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कीजिए आपको यहाँ से मेल करने का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले आपका आपको आप खुद का मेल शो हो जाएगा। उसके बाद टू में आपको एयरटेल पेमेंट बैंक का मेल आईडी एंटर करना होगा जिसका नाम है vcare@airtelbank.com। चलिए आपको वो लिखकर हम बताते हैं। आप यहाँ देख पाएंगे हम स्पष्ट तौर पर लिख लिए vcare@airtelbank.com, ये एयरटेल पेमेंट का ऑफिसियल ईमेल है। आपको टू में भी यही ईमेल आईडी एंटर करना होगा। सब्जेक्ट में फिर आपको टाइप करना होगा अकाउंट क्लोज। आप देख रहे हो सब्जेक्ट में अकाउंट क्लोज कर लिया। उसके बाद कंपोज मेल में आपको फिर क्या इंटर करना होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले डियर सर, डियर सर, उसके बाद आपको इधर स्लाइड करके फिर से नीचे में आपको लिखना होगा यहाँ पर अपना पूरा डिटेल से कि मेरा नाम नीतीश कुमार है, आई एम नीतीश कुमार, आपका जो भी नाम होगा आप अपना नाम, माई मोबाइल नंबर ही जितना, अकाउंट नंबर ही जितना, आपको पूरा डिटेल में टाइप कर लूँगा। चलिए आपको हम टाइप करके दिखा देते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख पर हम पूरा डिटेल सही से इंटर कर दिया, आपको भी इसी प्रकार से आपने मेल में इंटर कर लेना होगा। तो ये जो हम लिखे हैं आपको इसका लिखा हुआ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिलेगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना, डियर सर माय नेम इज नीतीश कुमार, आपका जो भी नाम होगा आप अपना नाम लिखा, उसके बाद माय मोबाइल नंबर इज, आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा वही लिखना होगा, एंड अकाउंट नंबर भी वही मोबाइल नंबर हो जाता है तो आपको सेम मोबाइल नंबर इसमें भी अकाउंट नंबर डाल करके इंटर कर लेना होगा। उसके बाद नीचे में आपको इस प्रकार से फिर इंटर करूँगा, सर आई वॉन्ट टू क्लोज माई एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट बिकॉज आई हैव थ्री बैंक्स अकाउंट, अर्थात ये वहाँ जो हम रीजन बताएं कि देखिए हम एयरटेल पेमेंट बैंक को बंद करना चाहते हैं क्योंकि मेरे पास पहले से तीन बैंक में और भी अकाउंट है, इसलिए हम एयरटेल पेमेंट बैंक को क्लोज करना चाहते हैं, हम इसको यूज करना नहीं चाहते, हम इसमें कुछ लिख दिए। उसके बाद ये हम नीचे में लिख दिया अपना पूरा डिटेल से कि अपना नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड का नंबर, उसके बाद पैन नंबर, आपको भी इसी प्रकार से अटैच, सॉरी आपको भी इसी प्रकार से अपना पूरा नाम और नंबर लिख लेना होगा। उसके बाद देखिए इसमें अपना
जो भी डॉक्यूमेंट दिए होंगे, यदि आधार कार्ड दिए होंगे अपना अकाउंट ओपनिंग का टाइम, आधार कार्ड, यदि पैन कार्ड भी दिए तो आपको पैन कार्ड भी इसमें अटैच करके सेंड करना होगा। अटैच करने के लिए आपको सबसे ऊपर में ऑप्शन मिलेगा एक अटैच का, फिर आपको इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कीजिए, देखिए बोल रहा है अटैच फाइल का। जैसे आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, आपकी गैलरी में जो भी पहले से आपका पैन कार्ड आधार कार्ड होगा उसको यहाँ शो हो जाएगा। आपको फिर उसको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। चलिए आपको हम सेलेक्ट करके दिखाते हैं। सर आप देख पा रहे हैं, हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिए, आपको भी इसी प्रकार से सेलेक्ट करना होगा। ये आधार कार्ड है, यदि आप अकाउंट ओपनिंग के टाइम में पैन कार्ड भी देंगे फिर से आपको उसी अटैच के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर अटैच फाइल के ऊपर क्लिक करिएगा, जब भी आपके डॉक्यूमेंट फिर से इस प्रकार से शो हो जाएगा। आप यहाँ स्पष्ट तौर पर देख पाएंगे अपना डॉक्यूमेंट फिर से आपको इसी प्रकार से अटैच करके यहाँ से सबमिट करना होगा। उसके बाद कि ऑटोमेटिक इसमें शो हो जाएगा आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड, आप यहाँ स्पष्ट तौर पर देख पाएंगे। उसके बाद इसको यहाँ से सेंड करना होगा, तो सेंड करने के आपको फिर अलग में ऑप्शन मिलेगा सेंड फाइल का, आपको यहाँ से फिर सेंड करना होगा। ये चला जाएगा डायरेक्ट एयरटेल पेमेंट बैंक के पास। जैसे आप यहाँ से सेंड के ऊपर क्लिक कीजिएगा, ये जो मेल आपका पूरा लिखावट आपका डॉक्यूमेंट कहाँ जाएगा, तो एयरटेल पेमेंट बैंक के पास। उसके बाद आपको लगभग दो दिन के अंदर से उधर से कॉल भी रिसीव होगा अकाउंट के क्लोजिंग के रिगार्डिंग। सर आप एक मेल किए थे एयरटेल पेमेंट बैंक को क्लोज करने के लिए, क्या आपका आपका पूरा डिटेल उधर से फिर से पूछा जाएगा, आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। आप जब अपना पूरा डिटेल सही से बताएगा उसके बाद वहाँ से आपका भी वही प्रोसेस लगा दीजिएगा। लगभग एक सप्ताह एक वीक के अंदर में आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, वो प्रोसेस में डालेंगे। उसके बाद आपको एक टोकन नंबर भी वहाँ से जनरेट हो जाएगा। उसके बाद कोई प्रॉब्लम हो फिर भी आपका अकाउंट क्लोज ना हो तो आप फिर से कस्टमर के नंबर पे कॉल करके वो टोकन नंबर बता रहे आपने अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं। आपको इस प्रकार के प्रोसेस अपनाना होगा अपने अकाउंट को क्लोज करने के लिए, और आप इस प्रकार से मेल भी कर सकते हैं। जैसा कि आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट के पूछा, तो ये प्रोसेस है मेल के माध्यम से अपने अकाउंट को क्लोज करने का तरीका। तो आप इस प्रकार से मेल करके अपने एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट को बंद अर्थात क्लोज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी विजिट नहीं करना होगा, जैसा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भाई साहब ने पूछा था। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसके ऊपर प्रॉपर जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।